श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रसपान कर रहे पनारी के ग्रामवासी आपको बता दें कि झुआ परिवार के द्वारा इस भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें कथा व्यास श्री विश्वनाथ जी शास्त्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा के प्रेरक प्रसंग श्रवण कर पुण्य लाभ ले रहे ग्रामवासी। और जबरदस्ती प्रणाम ही करते हैं तो घुटनों को स्पर्श करते हैं। बूढ़े बुजुर्गों के घुटनों में क्या रहता है? दर्द रहता है। अब वे कहेंगे खुश रहो तो फिर तुमको दर्द में ही खुश रहना पड़ेगा। यदि चरण स्पर्श करना है तो चरणों को छूना चाहिए, तब उस प्रणाम का फल प्राप्त होता है। तो चंदन चंदनस महत पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम। चंदन लगाने से हमारी दीर्घायु प्राप्त होती है, अल्पायु नहीं होगी और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान ने चंदन लगवाया अपने मित्रों को और जब भगवान का नंबर आया कृष्ण से, बलदाव दादा ने कहा लाला तेरी तो जोड़ी बन गई, का तू भी तीन जगह से टेढ़ा और यह भी तीन जगह से टेढ़ी, तेरी जोड़ी तो बन गई। और जैसे ही कुब्जा ने चंदन लगाया है, भगवान ने अपना चरण उसके पैरों पर रखा है और ठूठी ठूठी में चार उंगली लगाकर झटका दिया है और वह सर्वांग सुंदरी बन गई। बोलिए कि